Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlogs. तो शुरुआत करते हैं दिन की मैगी को घर से नहीं रूम से बाहर निकाल के. और ये मेघना बाहर आ गई है 5 दिनों के बाद. अच्छा 6 दिनों के. तो 6 दिन के बाद मैगी रूम से बाहर आ गई है और मैं बहुत लेट हूँ क्योंकि कुणाल को कुछ 30 सेकेंड का कुछ कंपटीशन के लिए एक छोटी सी फिल्म बनानी है जिसमें उसने दीपक मोंगा और मुझे लिया है. और मुझे पहुँचना है दीपक मोंगा की बिल्डिंग के नीचे और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ. 9:30 आई शुड बी देयर सम हाउ. अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो पहुँच जाऊँगा. 9:10 हुआ है सुबह के और मैं निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. सो लेट्स गो. कहानी ये थी कि कुणाल काजल्स हस्बैंड वो ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखता है अबाउट कॉर्पोरेट एवीज ऑडियो विजुअल्स. तो उसको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था. उसने एक 30 सेकेंड की स्क्रिप्ट लिखी. 30 सेकेंड एक्चुअली कंपटीशन ऐसे ही होते हैं. 30 सेकेंड और 45 सेकेंड उसमें आपको आपकी कहानी कहनी होती है. वो कुछ भी हो सकती है. और उसमें पहले वो प्रतीक और मेरे साथ करना चाहता था लेकिन प्रतीक के पास ऑब्वियसली टाइम नहीं है. ऊपर से कोविड के चक्कर में बहुत सारी उसकी डेट्स कैंसिल हुई हैं तो एडजस्ट करने में उसके पास टाइम नहीं था. तो देन वी थॉट कि यार जब ये एक कंपटीशन फिल्म है इसमें कौन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता. एक काम करते हैं दीपक मोंगा को लेते हैं. सो दीपक मोंगा एंड वी बोथ आर एक्टिंग राइट नाउ फॉर दिस स्मॉल 30 सेकेंडर शॉर्ट फिल्म. तो उसके लिए मैं निकला हूँ अभी सुबह सुबह जल्दी. एक्चुअली कल करना था लेकिन कल भी मैगी बाहर नहीं आ पाई थी. तो मैंने इसको बोला कि यार एक काम करते हैं, एक तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है. मैं अपना कोविड टेस्ट करता हूँ और मैगी भी बाहर नहीं आई है तो मायरा को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. हालांकि मायरा बहुत समझदार लड़की है बट स्टिल बच्चे ही होते हैं, उनको बहुत चीज़ें चाहिए होती है, बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती है. कभी कभी जस्ट टू इम्प्रेस पेरेंट्स वो कुछ उल्टी सीधी चीज़ ना कर लें, गैस जलाते कोई गड़बड़ ना कर दें. तो वो रिस्क मुझे तब नहीं लेना था जब मैगी रूम के अंदर थी. तो आज फाइनली वो हम लोग कर रहे हैं. कैसा होगा पता नहीं लेकिन जाते हैं और इस जर्नी को इन्जॉय करते हैं. दीपक मोंगा की हॉस्पिटैलिटी का कोई जवाब नहीं है एंड ही गोज एक्स्ट्रा माइल्स टू मेक यू कंफर्टेबल. तो कल भी पूरा ब्रेकफास्ट रेडी करा के रखा था और उसका ब्रेकफास्ट ऐसा नहीं होता कि एक 2 अंडे का ऑमलेट, 2 ब्रेड और चाय. सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ कप ऑफ टी यू विल गेट जूसेस, टी, कॉफ़ी एंड देन सम मिल्क शेक्स, variety of drinks then snacks. This is how he presents food to everyone. अबे उसने कब से तेरे लिए breakfast बना के रखा है? लेकिन मुझे ऊपर तो जाना पड़ेगा, change भी तो करना है. मैं तो shorts में आ गया हूँ. चलो मैं ऊपर जाके आता हूँ. उस कैमरे से शिफ्ट हो जाते हैं GH4 पे और चलते हैं मोंगा के घर. भाग भाग किया मैं मोंगा रेडियो के बैठा का बेचारा. एक सेकेंड क्या बोला तू 9 बजे पहुंच जाएगा. 9 बजे हो गया था. Rahul was supposed to come here at 9 o'clock. And he reached at 10 o'clock. Star का कलाकार ऐसे 90 पहन के आया फिर करेंगे. भाई साहब ऐसे कौन स्ट्रॉबेरी खाता है यार. इतनी मेहनत करके स्ट्रॉबेरी आदमी खाए मैं तो बूढ़ा हो जाऊं ये ऐसे बनाते हुए. तो कभी कभी जब मैगी बोलती है ना कि थोड़ा अच्छे से दीपक की तरह या जैसे रेस्टोरेंट्स में डेकोर करते हैं ना वैसे करके ले गया. तो मैं क्या करता हूँ स्ट्रॉबेरी पहले इकट्ठी देता हूँ. जब वो सजा के लाभ होती है तो मैं उसको थोड़ा फैला देता हूँ. थोड़ा सा दूर दूर रख देता हूँ. इससे तो बहुत दूर रखा है और क्या है अलग ही तरह के. ठीक है आपका मॉर्निंग में दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू सपोज टू हैव फॉर द डे रियली. <laughs>
सॉरी कभी कभी लगता है दुनिया के पास बहुत टाइम है, दुनिया से ज्यादा जो सेंड करने वाले उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ये छोटे से दो ग्लास आए हैं, ग्लास नहीं है, एक आर्ट है, एक कला है, एक क्लास है, एक्चुअली हां एक ग्लास भी नहीं है, मशरूम ग्लास, एक क्लास है राहुल, चल राहुल एक ग्लास, उसके लिए इतना बड़ा थर्माकोल का बॉक्स और ग्लास से साइज देख लो कितना है। और दीपक मुंगा की लाइफ का दूसरा शॉट, पहला शॉट मैंने ही लिया था लेकिन वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ है, अगर मुझे मिला तो मैं मेरे ब्लॉग में डालूंगा। एक्टर द मुंगा तो मोंगा से पूछते हैं कैसा लग रहा है उसका एक्टिंग करके, हाउ आर यू फीलिंग मोंगा? इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन यू कैन एवर गेट इनटू, इट लुक्स वेरी इजी बट जब करने जाओ ना तो कोई नहीं कर पाता, इट इज वेरी डिफिकल्ट, जो करता है ना हैट्स ऑफ टू देम इंक्लूडिंग टू राखी सावंत आल्सो। इतने रीटेक हुए ना मोंगा पक गया, हो क्या रहा है सब से, कैसे करते हैं आप लोग? तो आधा शॉट हो गए, अभी तीन चार शॉट ही बचे हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जितनी छोटी फिल्म होती है ना उतना, जितनी छोटी फिल्म होती है उतना ज़्यादा टाइम लगता है बेटर शॉट लेने में, अच्छे शॉट लेने में। ऊपर से हमारा कुणाल है तो कुणाल तो टाइम लेगा, ये वाला शॉट। फिर तो सीन से बाहर निकल गया था। तो मैं क्या करूँ, मेरा कैसे थोड़ी इसमें, तुम लोग अभी सिखा, ये देखो सिखा रहे भी मेरे को, मैं सीख रहा हूँ ना, जो किया वो किया। दो बार बेस्ट है इसका शूटिंग, इसको चाहिए डायलॉग इसके थे, उसके अलावा खाना हमारा, कपड़े हमारे, इक्विपमेंट हमारा, इक्विपमेंट छोड़ो रिकॉर्डिंग भी हमारी, कपड़े भी हमारे, टाइम हमारा, टाइम भी हमारा, और फायदा किसका, अवार्ड किसको मिलेगा, सोशल मीडिया लाइक्स भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। समझ नहीं आ रहा है कि बस मतलब हमने पाप किया है। सो शूटिंग हो गई है खत्म, और उम्मीद तो नहीं थी लेकिन दो घंटे में काम खत्म हो गया। उम्मीद से पहले शूटिंग खत्म हो गई, नीचे जैक लगा हुआ, गलती से गाड़ी चला मत देना। अरे मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी नहीं आ जाएगा तो उड़ जाएगा कब से कब, चाबी मेरे पास नहीं है। चलो फटाफट निकलते हैं, निकलते क्या मंगा इतनी ईजिली जाने नहीं देगा, और डायरेक्टर से थोड़ा काम करा रहे हैं। डायरेक्टर साहब मजा आ रहा है, सुबह का नाश्ता पचा भी नहीं था, चार शॉट हमारे कुणाल बुद्धभट्टी ने लिए भी नहीं थे कि लंच भी तैयार हो गया है। एंड लुक एट देम, हाउ मच पेशेंस दे, प्रोडक्शन छोड़ दे, इतना नल्ला डायरेक्टर है कुछ लाया नहीं है सिवाय अपने प्रोडक्शन। ये देखो भाई साहब, कौन से यूनिट पे तेरे को ऐसा खाना मिलता है? ये बात तो सही है, प्रशंसा भी खुद की ले रहा है। हाँ नहीं चाहिए दोस्त, मेरा दम दे दे यार, मतलब वीगन मूवी से नहीं बनती बस। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। रस पहनना भी उसको फंक्शन स्पेशली, मतलब बजे प्लीज वेयर इट। मैं सेंटा क्रूज पहुंच गया हूं, और ये कहीं गली में वो जगह है जहाँ मेरे को जाना है। चलो मैं जरा काम खत्म करके आता हूँ। ये काले बैग में क्या है मैं आपको नहीं बता सकता, जरूर बताऊंगा व्लॉग में, एक्चुअली व्लॉग में ही तो आएगा। You'll come to know. रिजवान मैं और जितने भी लोग हैं उन लोगों को कीर्ति ने बोला कि यार जो 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 चीज़ कर सकता है वो करो, तो स्टंप बैट और स्कोरबोर्ड, अंपायर की टी शर्ट्स
और हैट वो मैं कर रहा हूँ, बाकी दोनों टीम 18 लोग खेलने वाले हैं, 9 साइड खेलेंगे, तो उनकी जितनी भी टी शर्ट्स उस पर पीछे नाम वो सब रिजवान देख रहा है। तो सब मिलजुल के कुछ ना कुछ कर रहे हैं एंड होपफुली ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये सरप्राइज़ शरद कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो ये व्लॉग छोटा होने वाला है, छोटा नहीं होगा, एटलीस्ट आज दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये व्लॉग आज ही एडिट करना पड़ेगा, कल मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज टुमारो मॉर्निंग पैकअप करना और उसके बाद अलीबाग पहुंचना, उसके बाद अलीबाग जाके खेलना, उसमें टाइम एडिट का मिलेगा नहीं। सो इसीलिए ये ब्लॉग मैं अभी ख़त्म करूँगा, सो दैट कि मैं इसको जल्दी एडिट कर पाऊँ। एक्चुअली अभी बजे हैं दिन के 3 और अब तक आज का ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह उठते ही मैं 7:38 यहाँ के लिए रेडी होना शुरू हो गया था। ओके सो हमारा सोफा बन के भी आ गया 2 दिन में, कमाल है। कैसा है काम? हाँ पीछे डाल दो, बराबर लगा दो। तो इट ऑल हैपन बिकॉज ऑफ मायराज बर्थडे, अगर ये बर्थडे शायद अभी नहीं होता तो ये अभी हो ही नहीं पाता, एंड ऑफ कोर्स बाबू भाई, बिकॉज इतना फास्ट वी नेवर एक्सपेक्टेड कि 1.5-2 दिन में काम हो जाएगा। तो ये व्लॉग छोटा होने वाला है, छोटा नहीं होगा, एटलीस्ट आज दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये व्लॉग आज ही एडिट करना पड़ेगा, कल मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज टुमारो मॉर्निंग पैकअप करना और उसके बाद अलीबाग पहुंचना, उसके बाद अलीबाग जाके खेलना, उसमें टाइम एडिट का मिलेगा नहीं। सो इसीलिए ये ब्लॉग मैं अभी ख़त्म करूंगा, सो दैट कि मैं इसको जल्दी एडिट कर पाऊं। एक्चुअली अभी बजे हैं दिन के 3 और अब तक आज का ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह उठते ही मैं 7:38 यहाँ के लिए रेडी होना शुरू हो गया था। अभी मैं घर जाता हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। दिस इज राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ, आई विल सी यू टुमारो इन माय न्यू व्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय, गुड आफ्टरनून, लव यू।